वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमेज़न से ऐसी कुछ 7 चीजें अगर आप एक बाइकर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूं मैं, ये वीडियो बहुत तेजी में बना रहा हूं मैं अभी अर्जेंट में, क्योंकि अमेज़न की सेल शुरू होने वाली है और वो सेल में मैं खुद अपने लिए कुछ सामान विशलिस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी क्यों ना वो चीजें बता दूं मैं कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपको अच्छे डिस्काउंट्स में इस सेल में मिल जाएंगी। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसी सेल में ये सब चीजें खरीद लें, लिंक इन सब चीजों के आइटम्स के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो बाइकर्स बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो है आदत कम पड़ी है, जो चेन्स हैं वो ओरिंग चेन्स आने लगी हैं बाइक में या एक्स रिंग चेन्स आने लगी हैं, तो उसमें जो है ऑयल नहीं डलता है, तो कंपनी वाले ऑयल डालने को मना करते हैं, उसमें बोलते हैं चेन ल्यूब करें। तो चेन ल्यूब जब भी होता है आपकी बाइक पर जब आपकी बाइक सर्विस पर जाती है, लेकिन उस चेन ल्यूब को 500 से 700 किलोमीटर में हो जाना चाहिए, जिससे आपकी चेन की लाइफ भी अच्छी रहती है और चेन बीच बीच में क्लीन भी होती रहती है, तो आपकी चेन में से नॉइज भी नहीं आती है, तो राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन इसको बहुत सारे राइडर्स निग्लेक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको चेन ल्यूब बता देता हूं। बेहतरीन चेन ल्यूब है मोटुल का C2 चेन ल्यूब। ये चेन ल्यूब मैं हमेशा से यूज कर रहा हूं और लोकल चेन ल्यूब भी कुछ मैं यूज कर चुका हूं, जो कि आपको अभी स्टोरी में थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। मोटुल का चेन ल्यूब है तो अच्छा, लेकिन मैं ये समझता था कि लोकल और मोटुल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन ये 19-20 का फर्क नहीं है, ये 10-20 का फर्क है। क्योंकि जब मैं यहां से भोपाल टू गोवा जा रहा था तो वहां पर मैंने क्या मोटुल का R1 का चेन ल्यूब मेरा बचा हुआ रखा था, तो वो मैंने MT15 की चेन पर स्प्रे कर दिया था, और चेन पर स्प्रे करा तो यहाँ से 1400 किलोमीटर गाड़ी नॉन स्टॉप गई थी, कोई इशू मुझे चेन में नहीं आया, ना ही कोई नॉइज आई। गोवा में जाके वो चेन ल्यूब पूरा सूख गया, चेन पूरी सूख गई, तो वहाँ पर जो है चेन ल्यूब मिल नहीं रहा था कुछ टाइम तक। 100-150 किलोमीटर तक मैंने ऑयल का यूज़ करा वहाँ पर, उसके बाद जो है वहाँ पर चेन ल्यूब मिला बहुत मुश्किल से, वो भी लोकल चेन ल्यूब था, क्योंकि मोटुल की लोकल मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। तो वहाँ पर लोकल चेन ल्यूब लिया, 2 कैंस लिए छोटे छोटे, और उनको जो है 2 स्प्रेज मारे चेन पर वहाँ गोवा से वापस भोपाल निकलते टाइम। तो मैंने सोचा कि 2 स्प्रे मार लेता हूँ, लंबी चलानी है गाड़ी और थोड़ा सा स्प्रे बच भी गया, तो इसको अगर बीच में रास्ते में मुझे लगा तो मैं उसको लगा लूंगा। लेकिन वो जो चेन ल्यूब था उसमें चेन नॉइज भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, वो चलाने में उतनी स्मूथनेस और उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था गाड़ी में, और MP बॉर्डर पर आके चेन जो है वो पूरी सूख गई थी। तो वहाँ पर मैंने उसमें फिर से चेन ल्यूब मारा, लेकिन वो आधे से ज़्यादा चेन ल्यूब तो चेन पर स्टिक होता ही नहीं है, वो जो है अलॉय व्हील्स पर स्पिल हो जाता है आके। तो इसलिए मोटुल का चेन ल्यूब काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए आपको वही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर सस्ते में आपको काम चलाना है जैसे कि मैं चलाता हूँ, तो डीजल से क्लीन कर लीजिए चेन को, केरोसिन से क्लीन कर लीजिए, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं और आप कहीं अर्जेंट में क्लीन करना है तो पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन पेट्रोल का यूज़ कम करें। और अगर थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपको जाना है, थोड़ा वो महंगी वाली फील लेनी है, तो मोटुल का ही आप C1 चेन क्लीनर भी साथ में खरीद सकते हैं, जो कि आपको बेहतरीन डिस्काउंट पर अमेज़न पर मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे राइडर्स जो है वो शॉर्ट राइडिंग में जाते हैं, यानी कि ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके हाथ में स्किन टैनिंग बहुत हो जाती है, जैसे कि मेरे हाथ में हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो वो स्किन टैनिंग को से बचने के लिए ये स्किन टाइट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे स्किन टाइट्स हैं। ये वही कुछ सामान है जो मैं अपने लिए विशलिस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो इससे आपको यूवी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, जो सन से स्किन बर्न्स होते हैं उससे भी आप इसमें बच जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बताऊंगा आगे, तो वो एड ऑन में आप रखिएगा, तो वो भी आपको जो है इसके साथ लेना है, काफ़ी अच्छी आपको जो है इंपॉर्टेंट सेफ्टी बन जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप ये स्किन टाइट्स छोटी राइड्स में सिटी में पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो स्किन टाइट्स का यूज ना करें, आप एक प्रॉपर राइडिंग जैकेट का यूज करें। अगली चीज जो आपको स्किन टाइट्स के साथ जरूर खरीदनी है वो है ये ग्लव्स। जी हाँ, ये प्रो बाइकर के ग्लव्स हैं। अब बहुत लोग कहेंगे ये क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ये बहुत सस्ते ग्लव्स हैं, तो अब मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं, मैं तो टायरमैक के यूज करता हूं, जो कि मैंने अभी अपग्रेड करे हैं। प्रो बाइकर के मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप एक छोटी बाइक चला रहे हैं या छोटी राइड्स करते रहते हैं तो उसमें आप ये ग्लव्स यूज कर सकते हैं, इजिली आपके हाथ में चढ़ जाएंगे, इजिली उतर जाएंगे, ज्यादा हेजल आपको नहीं करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात जेब पर आपकी हल्की रहेंगे। जिन लोगों को थोड़ा प्रोफेशनल राइडिंग करनी है, लॉन्ग राइड्स पर जाना है, तो वहां पर आपको वाइब्रेशंस भी डैम्प करने हैं, और आप हाई स्पीड्स पर गाड़ी चलाते हैं, ऑब्वियसली आप जब इतना पैसा अपनी बाइक पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो आपको राइडिंग गियर्स पर भी उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को सस्ते में थोड़ा काम चलाना है कुछ टाइम के लिए, तो उनके लिए अच्छा है जब आप बाइक अपग्रेड करेंगे, थोड़ी महंगी बाइक लेंगे, तो वहां पर आप जो है राइडिंग गियर्स भी ऑब्वियसली अपने अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्रो बाइकर के रिकमेंड कर रहा हूं, ये आपके 300-100 रुपए के आसपास आ जाएंगे, अच्छे ग्लव्स हैं, मेरे आज तक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बहुत लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, हेलमेट पहन लेंगे, जैकेट भी पहन लेंगे, लेकिन ग्लव्स को छोड़ देते हैं। तो ग्लव्स आप जरूर पहनिए, क्योंकि ग्लव्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ ही रोड पर जाता है, और हाथ पे एब्रेशन आने से अच्छा है कि आप ग्लव्स पहने रहें, उससे शॉक प्रूफिंग भी थोड़ी सी आपकी रहेगी और प्रोटेक्शन भी आपको उसमें अच्छा मिलेगा। प्रो बाइकर के ग्लव्स इतने बुरे नहीं है, 300 रुपए में बिल्कुल वर्थ इट है। प्रो बाइकर से थोड़ा सा और बेहतर वर्जन पे आपको जाना है, तो ये स्टील बर्ड के जो ग्लव्स हैं ये मैंने हालांकि यूज नहीं करे हैं, लेकिन ये अच्छे ग्लव्स हैं, ये भी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। तो आप अगर 200-300 रुपए और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो आप 500-600 रुपए में ये स्टील बर्ड के जो है ग्लव्स ले सकते हैं। लेकिन जितने भी मेरे बाइकर फ्रेंड्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ग्लव्स जरूर पहनिए, हेलमेट पहनिए, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट कि आपके हाथ पर जो है वो बिल्कुल सलामत रहें। और एक चीज आप लोगों से और पूछनी थी कि मैं सोच रहा था कि एक लाइव Q&A करें हम हर वीक,
एवरी वीक एक लाइव क्यू एन ए हो जिसमें बाइकर्स जो है मुझसे क्वेश्चंस पूछें और उनके जो है मैं आंसर्स दे दूं, तो अच्छा रहेगा। एक ऑडियंस से इंटरेक्शन भी मेरा आप लोगों से बना रहेगा। अगर आपका मूड हो, आपको लग रहा हो कि बहुत सारे लोग आएंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ लाइव सेशन होगा तो मज़ा आएगा। तो लाइव सेशन करते रहेंगे, अच्छा है, ऑडियंस से जो है आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। अगली चीज आपको ऐसी बता रहा हूँ कि आपको उसकी जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन जिस दिन पड़ गई उस दिन बहुत अर्जेंटली उसकी जरूरत पड़ी, और वो है पंक्चर किट। तो पंक्चर किट आपको जरूर लेकर रखना है। पंचर किट 200-300 रुपए के आसपास आएगा। ये जो पंचर किट है मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, और अभी सेल आएगी तो इसमें जो है ये हो सकता है और सस्ता हो जाए, तो इसमें आप ये खरीद सकते हैं। ये खरीदेंगे आपको तो अच्छी चीज़ है, इसको आप रख के चलें अपनी बाइक के टूल किट या कहीं पर भी आप इसको रख लें। पंचर तो आपने बना लिया, लेकिन अब आप हवा कैसे भरेंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी टायर इन्फ्लेटर की। ये टायर इन्फ्लेटर गो मैकेनिक ने मुझे भेजा था, जिसका मैंने रिव्यू भी करा था, और ये काफ़ी अच्छा टायर इन्फ्लेटर है, अभी तक चल रहा है, कार में रखा रहता है मेरी, कभी लॉन्ग ड्राइव पर कार जाती है तो वहाँ कभी जरूरत पड़ी तो काम में आ जाता है। ये टायर इन्फ्लेटर काफ़ी हैंडी है, इसमें आपको टॉर्च मिलती है, रात में अगर आप काम कर रहे हैं तो टॉर्च से भी काम चल जाएगा। इसको आप बाइक में रख सकते हैं, इसको आप रख के चलें। ये एक छोटे से हैंड कैरी में आता है, बहुत कॉम्पैक्ट सा हैंड कैरी बैग है इसका, जो कि आप अपने बैग में रख के चल सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा कैरी बैग है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज सा रहता है, जिसमें आपको जिन जिन चीज़ों की जरूरत रहती है वो चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। हैंडी सा है, ड्रिल मशीन के शेप में आता है, तो आप आसानी से इसमें हवा भर सकते हैं। और ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है, ये जैसे कुछ कुछ स्पोर्ट्स बाइक्स में क्या है कि आगे के साइड ना ट्विन डिस्क रहती है, ट्विन डिस्क में क्या है नोजल ईजिली जा नहीं पाता है, तो ये अच्छी चीज़ है कि इसमें फ्लेक्सिबल पाइप है, तो आपका कहीं पर भी नोजल जो है वो आसानी से आप इसमें फिट कर सकते हैं। तो ये टायर इन्फ्लेटर बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर है, 1500-1700 रुपए में आ जाएगा। अगली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार जेब से फोन निकालते हैं, फोन को चेक करते हैं, गूगल मैप देखते हैं, नेविगेट करते हैं, फिर आपको जेब में रखना पड़ता है, फिर आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप एक मोबाइल होल्डर लगवा लें। तो ये काफी अच्छा सा मोबाइल होल्डर मैंने आपके लिए देख कर रखा है, इसको आप ले सकते हैं। ये सेल में आपको अच्छी प्राइस पर मिल जाए, बेस्ट डील मिल जाए, तो आपको इसको लेकर रख लेना है, कभी भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मोबाइल होल्डर लगेगा नेविगेशन करने के लिए। कुछ मोबाइल होल्डर्स चार्जर्स के साथ भी आते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है मैंने थोड़ी सी ऐसी रखी है कि अफोर्डेबल साइट पर जो सामान है, अफोर्डेबल और अच्छा, चीप सामान नहीं, अफोर्डेबल और अच्छा सामान है, वही मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूं। लास्ट प्रोडक्ट जो कि आपको ले लेना चाहिए वो है हेलमेट। हेलमेट मैं आपको बता देता हूँ, LS2 का मैं हेलमेट खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हेलमेट है, कंफर्टेबल हेलमेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हेलमेट लोग क्यों नहीं लगाते हैं, एक बार लगाया हेलमेट बहुत बुरा लगता है, बहुत इरिटेशन सा होता है उसको लगाकर, लेकिन अगर आप एक बार अच्छा हेलमेट लगाएंगे तो आपको जो है जब कंफर्ट फील होगा, वो जो कुशन इतना मोटा उसमें कुशन है LS2 में, वो जो कुशन आपके फेस को जो है अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो उसमें आपको हेलमेट लगाने में मज़ा आएगा, हेलमेट आपको कंफर्टेबल लगेगा, साथ ही आपकी आईज जो है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, कोई भी चीज़, कोई भी ग्रेवल उड़ रही है, आगे आपके कोई गाड़ी जा रही है, तो उससे आपकी आंखों को प्रोटेक्शन मिलता है, आपके फेस को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि हेलमेट आप जरूर पहनिए। हेलमेट LS2 का मैं खुद पहनता हूं, तो वही चीज आपको रिकमेंड कर रहा हूं। एक हेलमेट मुझे और पसंद आया SMK का, जो कि कम रेंज में ही ये हेलमेट्स हैं, 4000-5000 के बीच में, और अगर सस्ते में मिल जाए, डील में मिल जाए, तो और अच्छी बात है। तो यही हेलमेट्स मैं यूज कर रहा हूं, कुछ हेलमेट्स मैंने आपके लिए देख कर रखे हैं, तो ये आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक है हेलमेट, और 2-3 हेलमेट्स जो है और भी आगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये 3-4 हेलमेट्स मैंने जो है देख कर रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं LS2 ब्रांड अच्छा है, LS2 का FF352 है मेरा मॉडल, तो वो मॉडल का भी अगर आप लेते हैं तो आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा, और ये हाई स्पीड्स पर हिलता भी नहीं है, तो काफी अच्छी बात है। तो शर्म करो यार, अगर 3-4 लाख रुपए की बाइक आप ले रहे हो तो उसका 1% पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक हेलमेट में। तो हेलमेट भी अच्छा पहनिए, ये नहीं कि दिखने में अच्छा हो, हेलमेट पे ग्राफिक्स अच्छे हो, ये सब अच्छा हो, हेलमेट में कंफर्ट अच्छा होना चाहिए कि आप एक बार पहनो तो आपका उतारने का मूड ना करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।